गुजरात दंगों के बाद एक्टिविस्ट तिस्ता सीतलवाड़ा ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची थी। आपको बता दें कि तिस्ता ने इसके लिए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल से 30 लाख रुपए भी लिए थे। गुजरात दंगों में तिस्ता के रोल की जाँच कर रही SIT ने कोर्ट में दिए हलफनामे में यह बात कही है। आपको बता दें कि SIT ने अपने एफिडेविट में कहा कि तिस्ता के साथ इस साजिश में उस वक्त गुजरात के DGP रहे RV श्रीवास्तव और पूर्व SIP संजीव भट्ट भी शामिल थे। इन लोगों ने गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। इसके साथ ही अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने दाखिल एफिडेविट में SIT ने कहा कि तिस्ता को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल से एक बार में 5 लाख रुपए और एक बार में 25 लाख रुपए मिले थे। गुजरात दंगा केस में जेल में बंद तिस्ता की तरफ से पेश जमानत याचिका का विरोध करते हुए SIT ने यह बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।